मैं तो माता पिता की सेवा एवं जगत कल्याण के लिए आयु प्राप्त करना चाहता था, किंतु यदि मेरी आयु जगत के विनाश का कारण बनने लगे तो मुझे ऐसी आयु नहीं चाहिए। मुझे मृत्यु स्वीकार है। कालदेव, आप दोनों महाशक्तियों के युद्ध से मैं जगत का विनाश होते नहीं देख पाऊंगा। मेरे प्राण हर लीजिए, मैं प्रस्तुत हूँ। नारायण नारायण, भूत के पांव पालने में ही दिखते हैं कालदेव। इस 10 वर्ष की नन्ही आयु में इतने उच्च विचार, ऐसी आत्म त्याग की भावना। कालदेव, देवेश्वर महादेव ने ही आपको कालदेव के पद पर सुशोभित किया है। यदि महादेव मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान देना चाहते हैं तो इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जगत कल्याण के लिए ही यह वरदान दिया गया है। इसे रोककर आप जगत कल्याण के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। किंतु यम के नियमों का क्या? यदि आप अपने नियम सर्वोपरि मानते हैं तो मैं प्रस्तुत हूँ। हर लीजिए मेरे प्राण। किंतु मेरे कारण कोई युद्ध नहीं होना चाहिए। क्षमा करें महादेव, आज मार्कंडेय ने मुझे अन्याय करने से रोक लिया। धर्म का पालन तो करना चाहिए, किंतु जगत कल्याण एवं परोपकार के मूल्य पर नहीं। पर पीड़ा से बड़ा कोई अधर्म नहीं है और सुख से बड़ा कोई धर्म नहीं। नारायण नारायण, अंत भला तो सब भला। महादेव, आपका ये वरदान जगत का बहुत बड़ा कल्याण करेगा। महादेव की जय। 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 महादेव, आपके भक्त की तेजस्विता एवं आपकी भक्ति की महिमा है जो ये प्रथम बार होने जा रहा है कि काल देव रिक्त हाथ अपने धाम लौटने वाले हैं। मेरे कृत्य के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे आज्ञा दे महादेव। प्रणाम। अंत भला तो सब भला। अंततः मार्कंडेय जी अपनी मृत्यु डालने में सफल हो ही गए। हाँ हनुमान, शिव भक्ति और माता पिता की सेवा का पुरस्कार मिला उन्हें, और फिर कालदेव के जाने के पश्चात महादेव मार्कंडेय को आशीर्वाद देते हुए बोले, मार्कंडेय, तुमने जिस मंत्र को जपकर अल्प समय में मुझसे वरदान प्राप्त किया तथा अपनी मृत्यु को टाला है, अब से जगत में उस मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जाना जाएगा। इस मंत्र को श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक जपने वाला मेरा भक्त मेरी कृपा का अधिकारी हो, उसकी समस्त संकटों, यहां तक कि अकाल मृत्यु से भी उसकी रक्षा हो जाए। हे भोलेनाथ,
मुझे जीवन दान देकर मुझ पे बड़ा उपकार किया है। आपको कोटि कोटि नमन महादेव। आपको कोटि कोटि प्रणाम महादेव। मृत्युंजय महादेव की जय। महाकाल महादेव की जय। जगत हितकारी महादेव की जय। हे प्रभु, आपकी कृपा से अब मैं अपने माता पिता की सेवा भी करूंगा एवं जगत कल्याण के लिए सदा तत्पर रहूंगा। आपकी जय हो भोलेनाथ। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आप सभी देवगणों को भी मेरा प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो। बस माँ, पिताश्री। मार्कंडे पुत्र, तो बालको सुनी कथा? मार्कंडे ने सिखाया श्रद्धा और भक्ति के साथ मृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो आसन्न मृत्यु को भी टाला जा सकता है। हाँ ऋषिवर, मार्कंडे जी की ये भक्ति के कारण ही कालदेव को रिक्त हाथ लौटना पड़ा। सत्य है हनुमान, अन्यथा कालदेव कभी नियम नहीं तोड़ते हैं, अपितु नियम तोड़ने वालों को दंड देते हैं। हनुमान को नियम तोड़ने का दंड मैं अवश्य दूंगा। सृष्टि का नियम ही है ये, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हनुमान, तुमने क्या सीखा इस कथा से? सीख? हाँ ऋषिवर, मुझे ये सीख मिली कि मनुष्य चाहे तो अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है। जिस प्रकार मार्कंडे जी ने अपनी मृत्यु को ढाला। हाँ मित्र। हाँ ऋषिवर, मैं भी मार्कंडे तीर्थ जाकर महादेव के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूँगा। हाँ मित्र, पूरी श्रद्धा आराधना के साथ पूजा करना। हो सकता है कि मार्कंडे जी की भांति तुम्हें कालदेव भी दंड के स्थान पर क्षमा प्रदान कर दे। उन्हें मुझे क्षमा प्रदान करनी ही होगी। मैं उस मंत्र का जाप करके मेरे सारे परिवार की संकट से रक्षा करूंगा। किंतु हनुमान, ये तभी संभव होगा जब तुम पूरे परिवार के साथ मार्कंडे तीर्थ जाकर इस मंत्र का जाप करोगे। और ध्यान रखना पुत्र, कार्तिक मास के अंतिम सोमवार को तुम्हें वहां पहुंचना होगा। यदि कार्तिक मास के अंतिम सोमवार को तुम परिवार के साथ वहां नहीं पहुंच पाए तो तुम्हारी समस्या हल नहीं हो पाएगी। ऋषिवर मतंग, मैं अभी जाकर माँ और पिताश्री को वहां जाने के लिए मनाऊंगा, किंतु मेरा आपसे एक निवेदन है। अवश्य हनुमान, कहो। ऋषिवर, आप मेरे उस दुष्स्वप्न और कालदंड के बारे में माँ और पिताश्री को मत बताइएगा, अन्यथा वो बहुत चिंतित हो जाएंगे। तुम इसकी चिंता मत करो हनुमान, किंतु क्या हुआ ऋषिवर, आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गए? किंतु तुम्हें सावधान रहना होगा हनुमान। ऋषिवर मतंग, आपका मेरा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सावधान रहूंगा। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। ऋषिवर, हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दें। अब क्या हुआ मित्र, रुक क्यों गए? मित्रों, एक दुविधा है।
सबको तीर्थ जाने के लिए कैसे मनाऊं? यदि किसी को भी ज्ञात हो गया मेरे उस दुष्स्वप्नों के बारे में और कालदंड के बारे में तो सब चिंतित हो जाएंगे, विशेष रूप से मेरी माँ। हाँ मित्र, दुविधा तो बड़ी है, लेकिन समय पर पहुँचना भी तो आवश्यक है ना मित्र। हाँ, कैसे भी करके माँ और पिताश्री को मनाना ही होगा। चलो। नमः देवाय नमः। ओम नमः देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। अच्छा हुआ लंकेश ने मेरी बात मान ली, अब लंकेश की ये विधिवत स्या अमृत की प्रावश्य कराए। कहो पुत्र, तुम कुछ कहना चाहते हो? पिताश्री, हनुमान की कुछ इच्छा है, वो आप पूर्ण करेंगे ना? इसमें संकोच कैसा? पुत्र हो तुम हमारे, और पुत्र की हर उचित इच्छा को पूर्ण करना पिता का कर्तव्य होता है। बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? पिताश्री, हनुमान की ये इच्छा है कि आप माँ, नानी और मार्जरी का मौसी मार्कंडे तीर्थ जाकर मृत्युंजय महादेव की पूजा करना चाहता है। ऋषिवर मतंग के पास गया था मैं, उन्होंने ही ऐसा करने का सुझाव दिया है। आप सब चलेंगे ना मार्कंडे तीर्थ? अवश्य पुत्र, अच्छा पिता वो होता है जो अपने पुत्र की उचित इच्छा का सम्मान करे। पिता तो पुत्र के लिए कुछ भी करता है, और फिर जब पुत्र तुम्हारे जैसा हो तो उसकी इच्छा के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। मेरे अच्छे पिताश्री, सबसे अच्छे। हनुमान, तुमने मेरे मन की बात कह दी। मेरी भी बहुत दिनों से इच्छा थी कि तीर्थ यात्रा पर जाऊं सबके साथ। बहुत ही उत्तम सुझाव है हनुमान का। परंतु पिताश्री, हमें वहां जाने के लिए प्रातः काल में ही प्रस्थान करना होगा। ऋषिवर मतंग ने कहा है कि कार्तिक मास के अंतिम सोमवार को हमें वहां पूजा करनी होगी। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी हनुमान। प्रातः काल तक हम सब व्यवस्था कर देंगे जाने की। मतंग ऋषि ने अवश्य ही कुछ सोचकर यह सुझाव दिया होगा। ऋषिवर मतंग सदैव हमारे परिवार के शुभचिंतक रहे हैं। उन जैसे ऋषि हमारे परिवार एवं राज्य के कल्याण के लिए मार्गदर्शन करते रहे हैं। यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं अभी मंत्री से यात्रा की सारी व्यवस्था करने के लिए कहता हूँ। हम भी मार्ग के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करवा लेते हैं। चलो मार्जरी का। हाँ माँ, चलिए। हनुमान, मैं भी सबके लिए वस्त्र आदि की पोटिका लगवा देती हूँ। प्रातःकाल होते ही निकलना है ना? सब इतनी सहजता से मान जाएंगे, ये तो हनुमान ने सोचा भी नहीं था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। अब तो हमारी यात्रा प्रातःकाल को ही आरंभ होगी। प्रभु, आपके कारण हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। जय हो भोले बाबा की। लो पुत्र, इन्हें दान करो। प्रणाम।
गुरु भी आ गए। हनुमान, हनुमान, हनुमान। हमें विलंब तो नहीं हुआ मित्र? नहीं मित्रों, तुम सब समय से ही आ गए हो। पिताश्री, आपकी अनुमति हो तो मेरे सारे मित्र भी आ सकते हैं मेरे साथ। हाँ हाँ पुत्र हनुमान, वैसे भी तीर्थ यात्रा बंधु बांधवों के साथ ही पूर्ण करने का विधान है। अब हमें शीघ्र ही निकलना चाहिए, जिससे कि समय रहते हम अपनी यात्रा सफलता पूर्वक पूर्ण कर सकें। संभव है निश्चित समय के भीतर ही मैं ये तीर्थ यात्रा पूर्ण कर लूं। सफल नहीं हो पाएगी केसरी की तीर्थ यात्रा, ना ही जीवन यात्रा। परंतु महाराज कालदेव, केसरी का परिवार भी है केसरी के साथ, कहीं परिवार की पीड़ा से ही जुड़ी है हनुमान की पीड़ा। चित्रगुप्त जी, केसरी के प्राण हरने की व्यवस्था कीजिए, भेजिए यमदूतों को। जी प्रभु। आज्ञा दें ऋषिवर। प्रणाम। कल्याण हो पुत्र। स्वजन हेतु चिंतित हनुमान, महामृत्युंजय तीर्थ प्रयाण। सभी साथ जाते हनुमत के, भाव विभोर नेत्र मारुति के। क्रूर काल रच रहा योजना, परिवर्तित कर अपनी गणना। जन्म मरण है जीवन यात्रा, हनुमत कृपा बने जय यात्रा। प्रतीत हो रही हैं। क्या मैं आपको कांधे पर बिठा कर ले चलूं? हनुमान, तुम तो एक ही क्षण में सबको अपने कंधे पर उठा के ले जा सकते हो पुत्र, किंतु तीर्थ यात्रा अपने पांव पर चल के पूर्ण करने में ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अच्छा, आप सब क्लांत प्रतीत हो रहे हैं, क्यों ना कुछ क्षण विश्राम किया जाए? अवश्य पुत्र हनुमान। आगे पर्वत श्रृंखला है, यदि उसे पार करना है तो हमारा विश्राम करना आवश्यक है। उसके पश्चात हम नई स्फूर्ति से आगे बढ़ेंगे। किंतु पिताश्री, हमें समय पर यात्रा पूर्ण करने का ध्यान भी रखना होगा। चिंता मत करो पुत्र, सब कुछ समय अनुसार ही होगा। हनुमान, तुम ही नहीं सारा संसार जान जाएगा कि काल के कार्य में हस्तक्षेप करने पर काल का क्या दंड होता है, और प्रकृति के विपरीत कार्य करने पर काल कैसे दंड देता है। विधान ही काल की पहचान है। यम के नियम जितने कठोर हैं, उतनी ही कठोरता से पालन करवाते हैं काल जी। आने वाले संकटों से सतर्क रहकर अब मुझे हर क्षण अपने परिवार जनों के साथ रहना होगा।